हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार की चर्चा करेंगे, जो कि हमारे जीवन में, खासकर दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा योगदान है उसका। लेकिन सामान्यतया YouTube जगत पे लोग उस पे बात करने से कतराते हैं, साहस नहीं है, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग होते हैं ना, ये कहीं होते नहीं, जिनका लोगों को डर होता है ये चार लोग क्या कहेंगे। लेकिन इसकी बात करनी बहुत आवश्यक है। हमने पूरी एक सीरीज बनाई है इस पे, एक चरण में बनाई थी, दूसरा चरण का भी हमने कुछ काम स्टार्ट किया था लेकिन व्यस्तता की वजह से हो नहीं पाया था, उसको भी पूरा करेंगे। जब आप अष्टकूट मिलान में जाए तो एक मिलान आता है योनि मेलापक। ज्यादातर शास्त्रकार इसके बारे में बड़ा सिंपल सा थाट दे देते हैं कि ये हमारे व्यापारिक संबंधों में समरूपता को देखने के लिए उपयोग की जाती है। फिर दाम्पत्य जीवन में इसका क्या काम है? अगर व्यापारिक समरूपता, व्यापारिक एक रूपता ही देखनी है, या शुद्ध रूप से दाम्पत्य जीवन के लिए है। आपने कभी देखा कोई बड़ी गाड़ी में, या आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, टू व्हीलर का पहिया लगा के देखो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। स्कूटी चलाते हो, बाइक का पहिया लगा के देखो ना, नहीं चलेगा। इवन देन कोई नट बोल्ट लगाना चाहो ना, वो भी नट बोल्ट नहीं चलेंगे। तो जब एक छोटा सा जिसका हमने जिसको बनाया है वहां पे सिस्टम नहीं फिट हो रहा है, तो परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम में अगर हम फिट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने योनि मिलान को तो महत्व दिया था, लेकिन आजकल लोग उस पर डरने लगे हैं। देखिए, अश्लीलता शब्दों में नहीं होती, अश्लीलता दृष्टि में होती है, ठीक है ना। तो अगर आपकी दृष्टि ठीक है तो सृष्टि ठीक है, अगर आपकी दृष्टि खराब है तो हर जगह आपको वही चीजें नजर आएंगे। शास्त्रकार हमारे कहते हैं, सती स्वरूपा सुभगा विनीता प्रेमाभिरामा सरल स्वभावा सदा सदाचार विचार दक्ष सा प्राप्ते पुष्यवशेन पत्नी। यहाँ पत्नी का तात्पर्य जीवन साथी से लीजिएगा, ठीक है ना। चूंकि पुरुष प्रधान समाज था, है, इसलिए पत्नी शब्द जोड़ दिया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूर्वजन जिता विद्या, पूर्वजन जिता स्त्री, पूर्वजन जिता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। सात जन्मों का हम संबंध कहते हैं ना, सात जन्म किसके और संबंध किससे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इस पे एक स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। तो हम लाइफ में सोचते हैं कि हमारा जो जीवन साथी हो सुंदर स्वभाव वाला हो, विनीत हो, प्रेम करने वाला हो, सरल स्वभाव वाला हो, सदाचारी हो, विचार युक्त हो। और ऐसा जीवन साथी पुण्य वशेन, पुण्य के वश से प्राप्त की जाता है। नौमांस जो चार्ट है ना, नौमांस चार्ट इसीलिए बना होता है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में यदि आप उत्पन्न हुए हैं, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है आपका, तब आपकी योनि आती है मृग योनि। किस योनि के साथ जीवन आपका सुंदर चलेगा, किस योनि के साथ जीवन में संतुष्टि मिलेगी, और कौन सी योनि आपको असंतुष्टि देगी, कौन सी योनि दुखद हो जाएगी आपके लिए, जीवन नरकी हो जाएगा। ये दरअसल शक्ति केंद्र है। कभी आपने कुत्ते को हड्डी चूसते देखा है? नहीं देखा ना, देखिएगा। ज्ञान आपको हर जगह मिल रहा है, बस ज्ञान लेने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए। हर जगह ज्ञान है, ज्ञान बिखरा फैला पड़ा है इस कुदरत ने जो बनाया है जहां उसमें, लेकिन हम देखते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो कुत्ते को यह लगता है ना कि वो हड्डी से रक्त नहीं निकल रहा है, दरअसल वो रक्त उसके दांत से ही निकलता है, उसको लगता है हड्डी से निकल रहा है, वास्तव में उसके दांत से ही रक्त निकलता है, उसको चाट के खुश होता है। ये योनि मिलान में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप इसको नहीं जानते थे तो आप जान लीजिए कि सिर्फ कुत्ते की तरह हड्डी चूस रहे हो। विचार करके देखना, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना भाई,
ठीक है ना, शब्दों को संभाल के प्रतिक्रिया दीजिएगा, प्रतिक्रिया का स्वागत है। पृथ्वी पे दो तीन जगह ऐसी हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, आपको अंतरिक्ष फेंक दिया जाए तो क्या करोगे, आप उड़ना शुरू करोगे, उड़ना शुरू कर दोगे। पृथ्वी पे आप चल नहीं पाते, अंतरिक्ष में उड़ना शुरू कर दोगे। अभी आपसे कोई आपको बोले मैं पृथ्वी पे आपको उड़ा दूंगा तो आप बोलोगे पागल बना रहा है। एक वर्ड है संभोग से समाधि की ओर, कभी आपने गौर किया यह शब्द क्यों आया? अब हो गया ओशो ने कह दिया तो ओशो को हमें विरोध करना है तो हम विरोध कर रहे हैं, दरअसल इसमें सच्चाई है, आपने कभी उस पर विचार ही नहीं किया। तो गुरुत्वाकर्षण हमें जो है नीचे खींचता है, किंतु एक ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद हम उड़ सकते हैं। उसी तरह जब हम शारीरिक संबंध होते हैं तो शारीरिक संबंध हमें नीचे की ओर खींचते हैं, हमारी एनर्जी को गिराते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां से हम ऊपर उठना आरंभ कर देते हैं। यह योनि मेलापक हमारे लिए ऊपर उठने का विषय है, नीचे आने का विषय नहीं है। ये हमारे चक्र से, मूलाधार चक्र से, नाभि के पास जो चक्र है उससे ऊपर उठने की गति को बताने वाला विषय है। तीन तरह की स्थिति आती है, समरथ, उच्चरत, नीचरत। जब आपका योनि मेलापक बहुत अच्छा हो तो आप उच्चरत होते हैं, मतलब आपकी एनर्जी तृतीय चक्र से स्टार्ट होती है। आप जब पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, कोई योग प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर सेक्सुअल थॉट तुरंत आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं, कभी विचार किया? मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखिएगा, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी जो है वो आपकी कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ तक जाती है, हमारा ज्योतिष शास्त्र धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है, मोक्ष मूल उद्देश्य है। तो समरथ, उच्चरथ, नीचरथ, अगर मिलान अच्छा है तो आप उच्चरथ जाएंगे और सप्त चक्रों को जागृत करने की ओर बढ़ेंगे। हमारे भारत में महानतम लोग क्यों पैदा हुए? पैदा नहीं हुए, वो पैदा किए गए। और आपकी अगर समरथ है तो आप बीवी बच्चों को पालोगे, घर बनाओगे और आराम से पैसा बैंक में रख के मर जाओगे। नीचरथ है तो आप अपने बीवी बच्चों को छीनना शुरू करोगे, उनको खाना शुरू करोगे, उनको प्रताड़ित करोगे, मतलब बीवी बच्चों द सेंस आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को। हमारे शास्त्रकार तीन कोटि जो है पुरुषों की और तीन कोटि स्त्रियों की मानते हैं, एक खरगोश जैसे हैं, एक बैल जैसे हैं, एक अश्व जैसे हैं। वहीं पे स्त्रियों के भी तीन पार्ट किए गए हैं, कुछ हिरणी जैसे हैं, कुछ अश्विनी जैसे हैं और कुछ हस्तिनी जैसे हैं। स्वभाव को दर्शाता है, कद काठी को दर्शाता है और साइज को दर्शाता है। ये तीनों चीजें जो है चक्र को ऊपर ले जाने की बात करती हैं, ठीक है ना। तीनों हमारे किस चक्र से हमें कहाँ पे बढ़ना है, कितना आगे हमें जाना है, इसकी बात करती है। तो आज हम बात करेंगे आपके कुंडली में मृग योनि। मृग योनि अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि आप उत्पन्न हुए हैं तब आपकी मृग योनि आ रही है, ठीक। मृग योनि में आपको क्या फल मिलेगा, किसके साथ आपका मिलान कैसा रहने वाला है, किसके साथ संबंध समरथ होंगे, उच्चरथ होंगे, नीचरथ होंगे, ये चीज़ें हम आपको बहुत सरल शब्दों में बताने वाले हैं। तो मिल आप अपनी मिला लीजिए और किसी और की मिला रहे हैं तो उस पर सावधानी रखिए। मृग, तो मृग में पहली योनि जो आती है शास्त्रकार कहते हैं अश्व योनि। मृग भी चतुष्पद है, वनचर है, तो अश्व भी चतुष्पद है, वनचर है, तो यहाँ पे शास्त्रकार हमारे कहते हैं उत्तम। उत्तम का मतलब 75%, 75 का मतलब है कि किसी विषय में आप इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं कि आपको लाभ ही लाभ होगा। आप 75% नंबर पार प्राप्त करते हैं तो आपको बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, एक दूसरे से सहयोग की भावना रहेगी, आपसी जो समझ है वो इतनी रहती है कि हर परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं। और दोनों का जो मिलान है वो धन प्राप्ति के लिए है, अर्थात आप अश्व योनि के साथ हैं
तो अस्य योनि वाला आपका भी ध्यान रखेगा और आप तो बने ही हो ध्यान रखने के लिए। मृग योनि, मृग योनि बहुत सरल है, निश्चल है, ठीक है ना। आकर्षण में फंस जाता है। एक बढ़िया श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी सकतम नहन्नते या सेवते पंच विरेव पंच सा सकतम किम नहन्नते। एक प्रमाद के कारण, एक नशे के कारण हिरण मारा जाता है। प्रमाद क्या है? संगीत सुनता है और बहेलिया क्या करता है, आराम से जंगल में जाके मधुर संगीत बजाता है, हिरण आके फंसता मार देता है, ये प्रमाद है। लेकिन हिरण क्या है, बहुत सरल है, निश्चल है। आप मृग योनि के साथ अगर आपने विवाह कर लिया और आप किसी भी योनि के हो तो मृग योनि वाला आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेगा, संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। इवन देन अगर आपके कहीं नाजायज संबंध भी बनते हैं तो उस संबंधों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, घुटता रहता है लेकिन बोल नहीं पाता। खासकर अनुराधा वाले तो बोल नहीं पाते, ज्येष्ठा वाले प्रतिकार कर लेते हैं लेकिन अनुराधा वाले प्रतिकार भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर अश्व के साथ है तो आपकी लाइफ बढ़िया जाएगी, ठीक है ना, एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे और इधर उधर ताका झांकी कम करेंगे। वहीं पे अगर आपके गजयोनी आ गई तो कहने के लिए तो दोनों वनचर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइज में अंतर आ जाता है। गज और मृग दोनों में बहुत अंतर है, तो यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो जाएंगी। औसत है, औसत मतलब 48% 50 भी नहीं, 48% मान के चलिएगा। वैचारिक मतभेद रहेंगे किंतु प्रेम बना रहेगा, तो आपस में तू तू मैं होती रहेगी लेकिन गाड़ी खिस जाएगी। सौहार्द भी रहेगा, लापरवाही थोड़ी सी रहेगी, मतलब मृग योनि वाला तो कंसंट्रेट रहेगा लेकिन गज योनि वाला लापरवाह होगा, किंतु कर्तव्यनिष्ठ होगा, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझने वाला है, जिम्मेदारी को मानने वाला है, घर में जो चीज़ों की आवश्यकता है उसको लाके प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे भी 48% से 52% तक जो है आपकी लाइफ बेहतर जाती हुई प्रतीत हो रही है। मेष योनि, शास्त्रकार भी इसको औसत ही कहते हैं। मेष योनि में प्यार और तकरार दोनों बने रहते हैं। मेष वाला क्या करता है, उसको धक्का मारने में ज्यादा आनंद आता है, तो वो हर बात में लड़ता रहता है। व्यवहार उसका असामान्य रहता है, कब आपसे प्यार करेगा कब आपसे लड़ बैठेगा पता नहीं चलता। और जो दोनों की युति है, यह युति नक्षत्रीय युति है। कौन सी युति है? नक्षत्रीय युति है। तो यहाँ पे जो आय के जो स्रोत होते हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होते, बस सो एंड सो चलते रहते हैं। तो इसको भी शास्त्रकारों ने औसत माना, मतलब 48% से 52% तक यहाँ पे आपकी चीज़ें मैच हो रही हैं। इसके बाद अगली योनि अगर आपकी मृग योनि से सर्प योनि को मिलान कर दिया जाए तो शास्त्रकार इसको औसत ही कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करता है। 48% से नीचे आ जाइए, 46 से 42% आ जाइए। अब यहाँ पे क्या होता है कि घरेलू हिंसा, वैचारिक मतभेद ज़्यादा रहेंगे, थोड़ी बहुत घरेलू हिंसा होना शुरू हो जाती है, लापरवाही पर्याप्त मात्रा में रहती है, पर्याप्त मात्रा में लापरवाही रहती है, दोनों लापरवाह हो जाते हैं, एक दूसरे से उदासीन जैसे हो जाना, क्या हो जाना, उदासीन जैसे हो जाने की स्थिति बनती है। तो यहाँ पे भी मिलापक बहुत अच्छा जाता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। श्वान योनि, श्वान मतलब कुत्ता। अब श्वान जो है मृग को नोच कर खा जाएगा, हिरण को नोच के खा जाएगा। तो अगर आप मृग योनि से हैं और आपका जीवन साथी श्वान योनि से है तो हरदम आपके ऊपर भोंकता रहेगा। देखिए एक चीज बताऊं आपको, आप अपनी योनि देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो योनि है ना उसका नेचर हमारे व्यक्तित्व में उभरता ही उभरता है। अब आप मृग हैं, सरल हैं, लेकिन अगर आप श्वान योनि के साथ संबंध बनाए, श्वान योनि के साथ विवाह हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को शारीरिक संबंधों से मतलब है। आप स्थान देखते हैं, समय देखते हैं, लेकिन स्वानी वाले को समय से कोई मतलब नहीं, स्थान से कोई मतलब नहीं। जहाँ पे जैसी स्थिति में उसको चाहिए तो चाहिए, प्यार कहीं भी जाहिर करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये परेशान करने वाली होती है। फिर क्या होता है,
अगला व्यक्ति हटने लगता है और कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, नोचना शुरू कर देते हैं। श्वान हिरण को नोच लेता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो घरेलू हिंसा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और हिंसा का शिकार कौन होगा, मृग योनि वाला होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। शारीरिक चोटें पहुंचाई जाती हैं, संदेह, जब अगला व्यक्ति कटना शुरू हो जाता है, संदेह होना आरंभ हो जाता है, अविश्वास बहुत ज़्यादा होता है और हानि एक दूसरे को उठानी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ से कनेक्ट नहीं होती वो चीज़ें वहाँ से नहीं मिलती तो दूसरी जगह से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसलिए यहाँ पे जो यह मेलापक है यह नरकीय मेलापक है, सीधे सीधे कहिए नरकीय मेलापक है। मारजार, मारजार के साथ कर दें तो मारजार के साथ देखिए शास्त्रकार इसको अच्छा मानते हैं। मारजार योनि पोषण करने की योनि है, मतलब अपने परिवार का रक्षण करने के लिए। बिल्ली से आपको भी देखिए कमरे में आप बिल्ली को बंद कर दीजिए, फिर लड़के देखिए नोच डालेगी आपको, छोटा सा जीव नोच लेगी। बिल्ली अपने बच्चों को थोड़ा सा भी खतरा महसूस करती है तो पकड़ उठा ले जाती है, अपने बच्चों की व्यवस्था करती करती है। तो ये पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग होते हैं। प्रेम और सौहार्द निश्चित रूप से बना रहता है। बिल्ली को धन का प्रतीक कहा जाता है, उसके जो संतान उत्पन्न करने के बाद जो अवशेष होते हैं उसको लोग तांत्रिक क्रिया में प्रयोग करते हैं, तो धन प्राप्ति का कारक होती है। तो धन प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होती रहती है, दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। सरलता मृग योनि में ज़्यादा होती है, मारजार में चतुरता ज़्यादा होती है, तो दोनों मिलकर समाज में बेहतर काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर मूषक योनि के साथ कर दिया जाए तो मूषक योनि के साथ फिर क्या होगा, संदेह एक दूसरे पे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा टोका टाकी होती है, टीका टिप्पणी ज़्यादा होती है, कड़ा श्रम करना पड़ता है, सफलता अल्प मात्रा में मिलती है और मानसिक क्लेश मिलता है, मानसिक क्लेश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। गौ योनि के साथ कर दिया जाए, गौ भी बहुत सरल है और मृग भी बहुत सरल है, दोनों बहुत ही सरल हैं, तो इसको आप कह लीजिए शास्त्रकारों ने गौ को उत्तम कहा है, लेकिन हमने जो पाया है इसको आप अति उत्तम की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक, गौ भी सरल है और मृग भी सरल है, दोनों सरल है, दोनों के अंदर सरलता कूट कूट के भरी हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का जो मिलान है, प्रेम, आपसी भाईचारा, स्नेह, सहयोग की भावना, सफलता के लिए एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे का सहयोग करना और धन प्राप्ति कुटुंब के विकास में सहयोगी होते हैं, जी तोड़ मेहनत करने वाले होते हैं और हर परेशानियों में एक साथ चलने वाले होते हैं। तो यह मिलान शास्त्रकार इसको औसत बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 65% से ऊपर जाता है, शास्त्रकार उत्तम बोलते हैं, तो 75% से उत्तम जाता है, लेकिन 85-90 तक आप कह सकते हैं। महिष योनि, अब चतुष्पद गौ है, चतुष्पद महिष है, लेकिन महिष क्या है, महिष खाओ पियो मस्त रहो, तालाब में घुस गए तो निकलना ही नहीं है जी। महिष योनि वालों को एक स्वभाव होता है मस्त रहना, अपने आप का ज्यादा ध्यान देना, तो महिष योनि के साथ यहाँ पे क्या होगा कि वो जो गौ मृग योनि वाला है वो झेल जाएगा, सिर्फ सेल्फिश टाइप हो जाता है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या दे रहे हो, मेरे मेरे को लग जाता है, तो यहाँ पे जीवन साथी आपका सेल्फिश हो जाएगा। अब चूंकि ताकतवर होता है, भैंस के अंदर ताकत होती है भाई, तो अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो सींग भी मारेगा, लात भी मारेगा, खींच लेगा, छीन लेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, मृग योनि वाला सुकड़ कर रह जाता है, वो रो के रह जाता है, तो यहाँ पे लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, अविश्वास होगा, सौहार्द और प्रेम जैसी चीज़ें नहीं होती, और बाद में ऐसे लोग आर्थिक हानि को उठाते हुए अगर कोर्ट में देखे जाते हैं तो आप आश्चर्य मत करिएगा, मतलब तलाक की स्थिति उत्पन्न ही होगी, जहां औसत या औसत से नीचे है वहां तलाक की स्थिति उत्पन्न होगी। व्याघ्र, व्याघ्र और श्वान ये दोनों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे का मतलब तलाक हो जाएगा या तो अगला आदमी घुट के मर जाएगा। अगर मृग योनि को व्याघ्र योनि के साथ अटैच कर दिया जाए तो आप जान लीजिए कि आप अपने संतान को जीते जी नरक में भेज रहे हो।
घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होगी। मृग जो है व्याघ्र का सबसे पसंदीदा आहार है, तो आप उसको आहार दे दे रहे हो, खिस के खा लेगा, तोड़ के खा लेगा, उसको आपके प्रेम, आपके स्नेह, आपके सौहार्द, इन सारी जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों का मतलब नहीं रहता, वो खींच लेगा, जबरदस्ती ले लेगा, तो तोड़ देता है। अब यहाँ पे घरेलू हिंसा होना, मुकदमेबाजी होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, तलाक हो जाना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। क्या होती हैं? गारंटेड होती हैं। तो मैं आपको पकड़ा रहा हूँ मेन पॉइंट, जब भी विवाह में आप जा रहे हैं ना, इतने हल्के मत लीजिए, सिर्फ 26 नक्षत्र, 26 गुण, 34 गुण पे मत जाइए। मेरे पास कई ऐसी कुंडलियाँ आई हैं, 34 गुण वालों को मैंने कैंसिल करके 22 गुण वालों को मैंने ओके किया है और बोला कि आप इसको शादी करिए, अगर परेशानी आएगी तो मुझे बताइएगा। 34 वाले को मैंने मना कर दिया, क्यों? वहाँ पर स्थितियाँ बहुत विषम थी, स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आती, जूते में दाल बटती, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अत्यंत बुरा होगा मृग के साथ। मृग अगर कर दें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था समरत उच्चरत नीचरत, तो बातें उच्चरत की होंगी, बातें क्या होंगी, ये दोनों संतान तेजस्वी संतान पैदा करेंगे, ये दोनों अपना और अपने बच्चे का और अपने जीवन साथी का विकास को गति प्रदान करने वाले हैं। इनका लक्ष्य सांसारिक के साथ साथ आध्यात्मिक होगा, दोनों आध्यात्मिक होंगे, दोनों अगर संतान भी पैदा करना पड़े तो इस उद्देश्य करेंगे, क्योंकि पितृऋण से उरण होना है इसलिए संतान पैदा करेंगे, संतान पैदा ही नहीं करेंगे तो ये स्थितियां इनकी कुंडली में अति उत्तम मतलब सर्वोत्तम अगर आप कहें तो यहाँ पे सर्वोत्तम बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम मिलेगा, सौहार्द बहुत ज्यादा रहेगा, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, बातें जुबान से नहीं निगाहों से समझ ली जाएगी, इशारों से ही बात हो जाएगी, एक दूसरे की बातों को समझने वाले होते हैं। एक बार कबीरदास से किसी ने कहा कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं। कबीरदास उस समय अपना कुछ कपड़ा बुन रहे थे, तो उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया, बोला देवी जी सुनते हो, एक दीपक लेके आना। दोपहर था और उनकी मैडम ने कुछ भी नहीं सोचा और एक दीपक ला के रख दी, जला के रख दी। तो उसने पूछा कि मैं तो आपको बुद्धिमान समझता था, आप मूर्ख हैं। तो उसने बोला ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, अगर जीवन साथी में इतनी समझ हो कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये प्रश्न नहीं आए ना, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन स्वर्ग का रास्ता खोल देगा। आजकल तो परेशानी ये है जी कि व्हाट्सएप पे आपने किसको लाइक किया, यूट्यूब पे ये किसने लाइक किया, इसके फ्रेंड सर्किल कहाँ है, यूट्यूब पे दिखाओ किससे अभी बात की, आज दिन भर किससे लाइक किया, व्हाट्सएप चैटिंग दिखाओ, इस वजह से परेशानी ज़्यादा आ रही है, तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मृग के साथ हैं तो आप मोबाइल दिखाओ या ना दिखाओ, अगले आदमी को देखने की जरूरत ही नहीं है, 100% फेथ करेगा, 101% फेथ करेगा। तो यहाँ पे आपसी समझ होगी, समृद्धि होगी और दोनों धन प्राप्ति, क्योंकि दोनों उच्चरत हैं, नाभि से ऊपर के चक्रा को जागृत करने की बात कर रहे हैं, नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यह सर्वोत्तम माना जाएगा। बानर, बंदर का स्वभाव क्या है, बंदर एकाग्र नहीं रहता, उछलता है, कूदता है, नोचता है, एक जगह रहने वाला यही नहीं, बंदर को आपने देखा है कैसे कैसे कलावाचियां करता है, तो कंसंट्रेट नहीं रहता। मृग है, कंसंट्रेट है और वो बच्चों जैसी हरकत करेगा, पता ही नहीं चलेगा, छड़े तुष्टा, छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, कब प्रसन्न होगा, कब नाराज होगा, कब छीन लेगा, कब मारपीट कर लेगा, फिर कब पैरों में पकड़ कर रोना शुरू कर देगा, जी हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, दूसरे दिन फिर मारपीट कर लेगा। बहुत से ऐसे कपल को मैं जानता हूँ, पीट देता है शाम को, सुबह पैर पकड़ कर रोना शुरू कर देता है, सॉरी जी माफ कर दो, रात में फिर हुआ, फिर वही ड्रामेबाजी शुरू। तो ऐसे इस तरह में जब मिलान हो जाता है बंदर के साथ, आप उसको मिला दो तो इस तरह होता है, संदेह बहुत होगा, कुतर्क होगा, फिर यहाँ पे अवैध संबंध जन्म लेते हैं, अवैध संबंध भी यही जन्म लेते हैं, तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। नकुल के साथ कर दिया जाए तो नकुल मृग की पटरी खा जाती है, 48% तक आ जाती है, आपसी समझ भी हो जाती है, क्योंकि नक्षत्रीय स्थिति ऐसी होती है, सहयोग एवं प्रेम में कमी तो होती है लेकिन ये होता नहीं, पर्दा डाल दिया जाता है, पर्दा डाल के कि चलो जो कुछ है इसको हम आप जानते हैं, घर वालों को ना बताया जाए, परिवार वालों को, बहुत से लोग अर्जेस्ट कर लेते हैं, माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, समाज के लिए लोग झेल जाते हैं, लेकिन इनके नीचरत ही संबंध होते हैं, कौन से होते हैं, नीचरत। सिंह, सिंह मतलब बुरा, सिंह मतलब बुरा, व्याघ्र मतलब बुरा,
और स्वान मतलब बहुत बुरा। तो स्वान होने का मतलब तलाक 100% होगा, सिंह होने का मतलब तलाक होगा और व्याघ्र होने का मतलब तलाक होगा। अगर सिंह योनि के साथ आपके जीवन साथी या जीवन की डोर बांध दी जाए तो स्टार्टिंग से हिंसा होगी, आक्रमण होंगे मतलब प्रतिघात होगा, लड़ाई झगड़े द्रुत गति से होंगे और कभी कभी तो मंडप में ही जूते चप्पल चल जाते हैं, वो यही लोग होते हैं। शारीरिक संबंध की बात ही जाने तो वो एक दूसरे को रेस ही कनेक्ट नहीं करती, जब हम आपस में बैठते हैं ना रेस ही कनेक्ट नहीं करती तो चिड़चिड़ाहट होने लगती है। आप दो तारों को जोड़ के देखिए, ठीक से ना जुड़े ना तो उसमें चिंगारी निकलती है, फॉल्ट कर जाता है, ठीक से जुड़ जाए तो करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, चाहे 200 वाट का बल्ब हो, 200 वाट का करंट हो या 1000 वाट का हो, निकल जाएगा। और नहीं है 40 वाट का भी चिड़चिड़ाहट मारेगा। बस वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो बुद्धिमत्ता और समझ का अभाव होता है। यदि आपकी कुंडली में आपका अनुराधा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, आपके मृग योनि है, तो आपको मैंने और शेष 13 योनियों की बात बताई, उनके साथ आपका मिलान कैसा होगा। अब यह जो मिलापक है शुद्ध विशुद्ध रूप से दाम्पत्य जीवन की शुभता के लिए है। आपके और कितने गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, लेकिन अगर योनि मिलापक नहीं मिल रहा है तो आपके जो संबंध होंगे वो खराब हो जाएंगे। फिर अब जिसकी और योनि है वो इधर उधर मुंह मारेगा, परेशान हो जाएंगे। तो अगली बार जब आपने बच्चों की कुंडली मिलान करवा रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना विशुद्ध रूप से, आप कह लें कि जो ज्योतिष जगत में सिद्धस्थ हो चुके हैं, ठीक है ना, उन लोगों का काम है। कुंडली बांच देना नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन कुंडली मिलान करना विशुद्ध रूप से जो लोग परिपक्व हैं, उम्र से परिपक्व नहीं, ज्ञान से परिपक्व जो लोग काम करते हैं, तो स्पेशलिस्ट का काम है कुंडली मिलान करवाना। और हम आप क्या करते हैं, 51 रुपये दे के किस मिलवा लेते हैं। अच्छा आजकल चूँकि मैं वृश्चिक राशि में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत गरीब लोग आते हैं, वो 11,000 के मोबाइल से फोन मैसेज करेंगे लेकिन बोलेंगे गुरुजी जहर खाने का पैसा नहीं है। किसी किसी को मैसेज दे देता हूँ कि मेरे पास से पैसे ले लो भैया, खा के मर जाओ। अगर आप अपने भविष्य के प्रति इतने ही ईमानदार हैं कि आपको 250-500 रुपये भी भविष्य संवारने के लिए आप चिरकुटाई कर रहे हैं तो आपका राहु केतु कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे महाराज, निश्चिंत रहिए। जिसके पास अगर 100-200 रुपये नहीं है, राहु केतु क्या बिगाड़ लेगा बताओ, आपका क्या बिगाड़ लेगा। आपका अपना मोबाइल में डाटा भरवाने के लिए 500 रुपये हैं महाराज, लेकिन अपना भविष्य जानने के लिए 500 रुपये नहीं है, तो आपका क्या होगा। चलिए राधे राधे।